इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कभी आप लोग ने ये सोचा है कि जब भी हमने नया काम चालू किया है तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उस काम को लेकर कहीं ना कहीं उस बुराइयां देते हैं, मतलब उस काम को लेकर वो नेगेटिविटी देते हैं कि भाई ये काम तो सक्सेस नहीं है, या इस काम में बहुत लोचा है, या इस काम में ये काम तो कोई कर ही नहीं पाया है। और ना चाहते हुए भी हम अपने जीवन में नकारात्मकता ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा ले लेते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, वो कौन सी एक छोटी सी वजह है जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं? तो दोस्तों इस वजह को सुनने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी चाहिए। दोस्तों एक गुफा है एक गाँव में, उस गुफा में जो भी जाता है वो लौट के कभी नहीं आता है। लोगों ने ये सोच लिया था कि यार वो गुफा मौत की गुफा है। वैसे ही उस गांव में एक दिन एक नया आदमी आया। उस नए आदमी ने उस गुफा के बारे में जब सुना तो उसने काफी उत्साहित हुआ कि यार मैं भी जाके देखूं कि उसके अंदर क्या है। जब वो गुफा के सामने खड़ा हुआ तो बहुत से लोगों ने उसको मना किया कि मत जाओ, ये बेकार गुफा है, भाई इसके अंदर जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि आज तक जो भी गया है इसके अंदर वो वापस नहीं आया है। बिल्कुल वैसा ही जैसे जब हम कोई काम करते हैं और बहुत से लोग हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज तक जो भी इस काम को किया है, जिसने भी किया है, वो सफल नहीं हुआ है। इस काम को करने के लिए सफल नहीं हो सकते, अपना पैसा बर्बाद मत करो। पर वो आदमी में पता नहीं कुछ ढीठ था, वो आदमी एक तरह से ढीठ था। उसने सोचा नहीं मैं तो जाऊंगा, और वो आदमी गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाते हुए देखा कि बहुत अंधेरा था और उसके पीछे कोई खड़ा था और किसी ने उसको धक्का दिया। जब उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे और वो लोग उसको पकड़ के गुफा के अंदर ले गए। जब जाके उसने गुफा के अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों उस गुफा में उसने देखा कि उस गुफा में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी जो गांव में नहीं थी। वहां के लोगों से उसने बात किया तो उसने बताया कि लोगों ने कहा कि इस गुफा में जब हम आए थे तो हमने देखा कि इतनी सारी सुख सुविधाएं जो गांव में नहीं है, तो हमारा बाहर जाने का मन नहीं किया क्योंकि यहीं रहने का मन किया। वैसे उस आदमी ने भी सोच लिया कि यार इतनी सुख सुविधाएं तो मैं यहीं रहूंगा, मैं उस गांव में वापस नहीं लौटूंगा। और जब वो नहीं लौटा दोस्तों, तो उस गांव वाले जो गुफा के बाहर खड़े होकर उस आदमी का वेट कर रहे थे, उन्होंने सोच लिया यार ये तो पक्के से ही मौत की गुफा है कि कोई भी इस गुफा के अंदर जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। दोस्तों हमारा नया काम बिल्कुल उस गुफा की तरह है। अगर आपने किसी की बात ना सुनते हुए आप अंदर चले गए तो आप कभी भी वापस नहीं आओगे दोस्तों। पर हमेशा देखना वो सुख सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो उस गुफा के अंदर गया है। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें सफल होने के लिए हमारी जिंदगी हमें दो रास्ते देती है। पहला कि वही करते रहो जो लाइफ में हो रहा है और वैसी लाइफ जियो जैसी लाइफ हो रही जी रहे आप, मीडियम लाइफ, एक नॉन एवरेज लाइफ। दूसरा उन लोगों को जो लोग आपसे बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, उनको ना सुनते हुए वो ही करो जो आपका दिल करे और जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका स्किल हो। आप देखोगे कि अपने आप डर से जीत जाओगे और आप जीवन में वो सफलता पाओगे जो उन लोगों ने कभी नहीं सोची थी जो आपसे उस समय कहते थे कि यार ये काम नहीं होगा। मैं देवव्रत अग्रवाल आशा करता हूँ कि आपका सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। थैंक यू।